पुलिस सर चेक साइन हुआ कि नहीं होता ठीक है। मैं अभी जैसे क्या बोलूँ यार, देखो क्या होता है, मुझे लगता है कि हमारे माँ बाप जो है हमें जन्म देते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं। उसके बाद जब हम बड़े होते हैं, जब हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ आती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें, जैसे मैं बोलूँगा आज, मैं कुछ लोग हैं हमारे, मतलब पर्सनली मेरे जीवन में दो चार लोग जो बहुत ही अहमियत रखते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा भैया का योगदान है। और आज 110% मैं जो भी हूँ सिर्फ भैया की वजह से, और क्या बस यही है। और मैं भैया को जो है जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। छोटा भाई होने के नाते क्या गिफ्ट मिला है आज आपको? यार मैं क्या, अभी देखो ये तो घरेलू बात पूछ रहा हूँ, गिफ्ट देखो सबसे बड़ी चीज़ कि अभी मैंने बोला ना कि फैमिली जो होती है, अभी जैसे बोला एक लाइन में, मैं जो भी हूँ इनके वजह से, तो यही सबसे बड़ा गिफ्ट और क्या चाहिए। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, मैं जय यादव। धीरेन भैया को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही सदा मुस्कुराते रहिए और ढेर सारी फिल्में बनाते रहिए। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को रोटी जैसी फिल्मों की बहुत ज़रूरत है और इस तरह की फिल्में आप बना के और हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है उसको देते रहिए और पूरे इंडस्ट्री में आग लगा दीजिए। हाँ, क्योंकि अभी रोटी बन चुकी है, झोला बन चुका है, आग की बारी है। और हम लोग मिले भी हैं पहले, मुझे याद नहीं है, लेकिन इन्हें याद है। ये मेरा सौभाग्य है कि ये मुझे याद रखे हैं। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इनसे रूबरू बहुत दिनों बाद हुआ, सोचते सोचते इत्तफाकन किस्मत ने मिलाया, और मिलाया तो दो तीन दिन में ही इनका जन्मदिन आ गया। और अच्छा लग रहा है, सब बच्चे अच्छे हमारे प्रभु आए हुए हैं, राज सर आए हुए हैं, तमाम बच्चे अच्छे हुनरमंद लोग आए हुए हैं, मज़ा आ रहा है। दो दिन पहले सर की फिल्म की आपने जिक्र किया था एक चैनल पे, रोटी की जी। ना, मैं किया था, नेशनल के लिए इंटरव्यू वगैरह हो रहा था, नेशनल लेवल मैंने बोला कि फिल्म की जो श्रृंखला भी सार्थक और पैरेलल सिनेमा का जो होते चाहिए उसमें आपकी फिल्म है, अर्धनारी को भी उसी श्रेणी में लाया जा सकता है, वजूद है श्रीवास्तव जी की, अच्छा लग रहा है ना। अच्छे अच्छे सब्जेक्ट बनते रहे तो हम कलाकारों को डायरेक्शन देने की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी, हम लोग काम करेंगे, क्या अच्छा काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छे अच्छे रोल बना करके देते रहे। आज फिल्म का मुहूर्त हुआ है तो ऑडियंस सब को देखा जा सकता है इसमें? मैं फिल्म का नाम भी नहीं देखा, अयोध्या, सॉरी अयोध्या से मिथिला, तो मिथिला आएंगे तो मैं कहीं ना कहीं दिखी जाऊँगा, मैं भी मिथिला कहीं ना, अयोध्या से पहले कोई आए तो सही, जब बारात चलेगी तो फिर हम दिख जाएंगे, बाराती में रहूँगा। थैंक यू सो मच। इस परिवार की तरफ से अपने मुखिया को जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं देता हूं। मैं विष्णुधर मिश्रा, विष्णु मिश्रा, आप सब की तरफ से चंद लाइनें पढ़ना चाहूंगा। हर साल ही जो सज धज रही है वो शाम आई, इस जन्मदिन की धीरेन्द्र सर को लाखों बधाई, जन्मदिन की ले बधाई, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर धीरेन्द्र सर, हैव मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे माय डियर धीरेन्द्र सर। भाई मेरे और अभिभावक धीरेन्द्र सर, भाई मेरे और अभिभावक धीरेन्द्र सर, प्यारे इस परिवार के पालक धीरेन्द्र सर, आपका ये जन्मदिन हम सबको है प्यारा, ओ आपका ये जन्मदिन हम सबको है प्यारा, विश यू हैप्पी बर्थडे एंड गुड लक धीरेन्द्र
सर, विश यू हैप्पी बर्थडे एंड गुड लक धीरेन्द्र सर, जिए आप जुग जुग हम सब के दिल से ये आवाज आई, जिए आप जुग जुग हम सब के दिल से ये आवाज आई, जन्मदिन की ले बधाई हर साल ही जो सज धज रही है वो शाम आई, इस जन्मदिन की धीरेन्द्र सर को लाखों बधाई। हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर धीरेन्द्र सर, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे माय डियर धीरेन्द्र सर। थैंक यू, थैंक यू। अरे अरे रोली, प्रणाम। मैं अभिनेता देवेंद्र कुमार पाठक, सही तरीके से जिसका जन्म इन्होंने मेरे बड़े भाई धीरेन्द्र जी ने करवाया है, और इनका आभार और धन्यवाद दिल से। आज जन्मदिन के तौर पर क्या मैं कोई तोहफा नहीं दे सकता, लेकिन अपने मूल्यवान समय को या आने वाले कल के समय में से कुछ महत्वपूर्ण समय मैं इन्हें देना चाहूँगा कि जब जिस समय ये आवाज़ करेंगे मैं इन्हें खड़ा करूँगा। और मेरे पास तो कोई तोहफा नहीं, काफ़ी तोहफे इनसे ज़रूर मिले हुए हैं मुझे, तो बहुत बहुत दिल से बधाई धीरेन्द्र जी। और आत्मावलोकन की दृष्टि से देखते हुए भी आप एक कार्यवाहक पिता का रोल अदा कर रहे हैं, और पिता के रूप में मैं आपको देखता हूँ। और बहुत सारी फिल्में मैंने दिल तुझको दिया, तू दिया और बाती हम, मैं तेरे काबिल, रोटी, झूला, भाई गाड़ी ऐसी चल पड़ी है कि जहाँ मुझे कोई जानता नहीं था आज कुछ लोगों का प्यार और आशीष मिल रहा है हमारे बड़े भाई धीरेन्द्र कुमार झा जी की। थैंक यू। मैं दिल से और बाबा विश्वनाथ से दुआ करूंगा, बनारस से हूँ मैं, काशी विश्वनाथ की नगरी से आशीर्वाद लेकर के आया हूँ, दर्शन करके आया हूँ मोदी जी के बाद, तो आशीर्वाद प्रदान स्वरूप देना और कि भाई आप ऐसे ही कार्य करते जाइए, हम जैसे कलाकारों का उद्धार करते जाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत, और आप मीडिया का भी, टंटन भोजपुरिया का भी दिल से बहुत आभारी हूँ जो दो शब्द हमारे द्वारा आपने लिया। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आमतौर पे धीरेन्द्र जी बड़े ही व्यवहारिक तौर पर बड़े शर्मीले से हैं और बहुत कम बात करते हैं, ये बात इनकी मुझे लगी कि मतलब क्या बात है, इतनी गंभीरता क्यों है। फिर मैंने इनका काम करने का तरीका देखा और वहाँ मुझे पता चला कि वहाँ ये शांत नहीं है, वहाँ ये ज़बरदस्त प्रोफेशनल के अंदाज में हैं। बड़ा अच्छा लगा, बहुत इम्प्रेस हुआ मैं, और मैं इनको इसीलिए बहुत दिल के काफ़ी गहराई से इनको मैं एक दुआएं करता हूँ इनके लिए कि ये इस इंडस्ट्री में टॉप के प्रोड्यूसर बने, हम लोगों के जो भी टेक्नीशियंस हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म ले, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को ये लॉन्च करें। एक बार फिर मैं बहुत बहुत जन्मदिन की आपको बधाई देता हूँ, और यही दुआएं हैं मेरी कि आप नए नए लोगों को क्रिएट करो। मैं प्रतीक भट्टाचार्य, फिल्म राइटर एंड डायरेक्टर, और धीरेन्द्र जी को आज के बर्थडे का बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो ऐसे ही बहुत सारी फिल्में बनाते रहे और सबको साथ रह के चलते रहे, सब लोग हम दिल से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं युगान बद्री पांडे, झा जी को जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं। व्यावसायिक जीवन में इनसे परिचय हमारा एज ए निर्देशक और पुरस्कृत हुआ था, लेकिन जैसा कि जानते हैं कि इंडस्ट्री में व्यावसायिक जीवन से निजी जीवन में आने में बहुत समय लगता है, लोगों उनमें से इनका नाम है, कब हम लोग पारिवारिक बन गए पता नहीं चला, तो ये हमेशा बने रहे प्यार, और पहली बार आया हूँ, बार बार आना चाहूँगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं गीतकार संगीतकार मुन्ना दुबे, और आज हमारे बड़े भैया निर्माता निर्देशक धीरेन्द्र कुमार झा जी का जन्मदिन है, तो बहुत बहुत शुभकामना, महादेव की कृपा ऐसे ही बनी रहे और बम बम रहे, इसी तरह हर एक साल ऐसा ही फिल्म बनाते रहे,
और ऐसा ही हम सब बच्चों को एकदम आशीर्वाद देते रहें। थैंक यू।